सहारा जंगल में बारिश हो रही थी। तेज बारिश के कारण पंछियों के घरों में अनाज खत्म हो रहा था। लाड़ो चिड़िया और चीनू चिड़िया एक दूसरे के पड़ोस में रहती थी। माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना। अच्छा राजू बेटा, तुम यहीं रुको, मैं किचन में देखती हूँ कि खाने के लिए क्या रखा है। थोड़ी ही देर में लाड़ो किचन से होकर आती है, लेकिन वो परेशान थी क्योंकि किचन में अनाज तो था ही नहीं। तेज बारिश के कारण वो अनाज जमा करने के लिए नहीं जा सकी थी। मुझे माफ कर दो राजू बेटा, हमारे घर में तो अनाज खत्म हो गया है। चलो आओ चीनू मासी के पास चलते हैं, क्या पता उसके पास से कुछ खाने को मिल जाए। वो दोनों माँ बेटा चीनू के घर पर चले जाते हैं। वहाँ चीनू भी अपने बच्चों को बहला रही थी। गोलू मोलू, तुम दोनों को थोड़ा सब्र करना होगा, हमारे घर पर तो अनाज खत्म हो चुका है, थोड़ा सा इंतजार करो, मैं अभी अनाज लेकर आती हूँ। चीनू चिड़िया ने मुड़कर देखा तो लाड़ो भी अपने बेटे राजू के साथ वहाँ खड़ी थी। अरे चीनू बहन, क्या हुआ, तुम्हारे घर पे भी अनाज खत्म हो गया है? हाँ बहन, क्या बताऊँ, इतने दिनों से ये बारिश हो रही है और मुझसे अनाज लेने के लिए नहीं जाया गया, अब क्या करें। अच्छा हुआ तुम आ गई, तुम एक काम करो, तुम तीनों बच्चों के साथ यहाँ रुक जाओ, मैं अनाज लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है चीनू बहन, मैं बच्चों के साथ यहीं रुक जाती हूँ, तुम जाओ। और फिर चीनू चिड़िया तेज बारिश में अनाज ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। बाहर भी हर तरफ पानी ही पानी था और तेज बारिश की वजह से ठंड भी बहुत ज्यादा हो गई थी। अरे बाप रे, इतनी तेज बारिश में मैं कहाँ से अनाज ढूंढूं, हर तरफ पानी ही पानी है, या अल्लाह तू ही मेरी कोई मदद कर दे। चीनू बेचारी तेज बारिश में हर जगह मारी मारी फिर रही थी, लेकिन उसको अनाज नहीं मिला। आखिर वो थक हार कर बरगद के ऊंचे पेड़ पर जा बैठी और ये सोचने लगी कि अब वो अपने बच्चों के लिए क्या लेकर जाएगी। चीनू को वहाँ बैठे अब कुछ देर गुजर जाती है। इतने में मिठू तोता अमरूद से भरा हुआ थैला लेकर गुजर रहा था। अरे चिड़िया बहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो भी इतनी तेज बारिश में? बस क्या बताओ मिट्टू भैया, मैं अपने बच्चों के लिए अनाज लेने के लिए निकली थी, लेकिन सब जगह देख लिया, मुझे अनाज नहीं मिला, लगता है खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा, लेकिन मैं घर भी तो नहीं जा सकती, मेरे बच्चे भूखे हैं। अरे अरे नहीं नहीं चिड़िया बहन, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं पास वाले बाग से ही कुछ अमरूद घर लेकर जा रहा था। मैं भी यही सोच रहा था कि बारिश के ये दिन आराम से गुजर जाएंगे, लेकिन तुम्हें परेशान देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। ये लो मेरे पास बहुत सारे अमरूद हैं, इनमें से कुछ तुम भी ले जाओ अपने बच्चों के लिए। हाय क्या सच्ची, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मिट्टू भैया, अल्लाह तुम्हारा भला करे। और फिर चीनू चिड़िया अमरूद लेकर वापिस घर आ जाती है। वहाँ उसके बच्चे भी चीनू के घर आने का इंतजार कर रहे थे, वो भी चीनू के हाथ में खाना देखकर खुश हो जाते हैं। अरे वाह चीनू बहन, तुम तो वाकई ढेर सारे अमरूद ले आई, मैं तो सोच रही थी कि इस तेज बारिश में तुम्हें कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलेगा। तुम बिल्कुल सही सोच रही थी लाड़ो बहन, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था, वो तो भला हो मिट्ठू भैया का जिसने मुझे ये ढेर सारे अमरूद दे दिए खाने के लिए, तो मैं इन्हें घर ले आई। सच में आजकल के दौर में भी इतने अच्छे लोग हैं जो मुश्किल समय में किसी के काम आते हैं, अल्लाह उसका भला करे। फिर लाड़ो और उसके बेटे ने भी अमरूद खाए और कुछ शाम के लिए लेकर भी अपने घर वापस चले गए। उस दिन लगातार बारिश लगी रही। सुबह हो जाती है और अब बारिश भी रुक चुकी थी। राजू जब सोकर उठा तो उसके पेट में शदीद दर्द हो रहा था। आह मम्मी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, ओफ, हाय मम्मी मैं मर जाऊंगा, बहुत दर्द हो रहा है मम्मी,
हाय मेरा बच्चा, क्या हो गया तुम्हें? चलो मैं तुम्हें अभी डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। लाड़ो राजू को लेकर बुलबुल डॉक्टर के पास चली जाती है। अयो लाड़ू बहन, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, राजू अभी छोटा है ना, उसने बहुत सारे ज्यादा कच्चे अमरूद खा लिए थे और इसी वजह से उसके पेट में दर्द हो रहा है। अब मैंने दवा दे दी है, थोड़ी देर में इसको आराम आ जाएगा। थोड़ा ख्याल रखा करे ना, बच्चों से हर चीज हजम नहीं करनी होती। अब मैं ख्याल रखूंगी डॉक्टर साहब। लाड़ो राजू की दवा लेकर घर आ जाती है। लाड़ो को और चीनू पर बहुत गुस्सा था। ये सब किया धरा उस चीनू की बच्ची का है, वही अमरूद लेकर आई थी। मेरे बच्चे को अगर कुछ हो जाता तो मैं उसको कभी माफ ना करती। पता नहीं खुद को क्या समझती है। मैं इस बात का बदला चीनू से लेकर रहूंगी। समझती क्या है वो खुद को। अब लाड़ो चीनू से बदला लेने के लिए नई नई तरकीबें सोचने लगी। आखिर एक दिन लाड़ो चीनू के घर जाती है। चीनू उस समय घर पर नहीं थी। गोलू मोलू अपने खिलौनों के साथ खेल रहे थे। गोलू मोलू बेटा, कैसे हो तुम दोनों? क्या तुम लोग मेरे साथ चेरी खाने के लिए चलोगे? क्या चेरी? हाँ आंटी, मुझे चेरी बहुत पसंद है, मैं जरूर चलूंगा। अरे नहीं गोलू, पता है ना, मामा ने हमें बाहर जाने से मना किया था, और तुम बिना बताए कैसे जा सकते हो? अरे बेटा, मैं तुम दोनों की आंटी हूँ ना, और वैसे भी पता है तुम्हारी माँ को कि मैंने आज चेरी खाने के लिए जाना है। वो तुम्हें घर पर नहीं देखेगी तो समझ आएगी कि मेरे साथ गए हो तुम दोनों, इसलिए चिंता मत करो और चलो हम मिलकर चलते हैं। लाड़ो के बार बार कहने पर बच्चे बेचारे उसकी बातों में आ जाते हैं। लाड़ो बच्चों को लेकर बहुत दूर आ गई थी। वहाँ उसने बच्चों को ढेर सारी चेरी भी खिलाई और उसके साथ ही एक ऐसी जड़ी बूटी खिला दी जिससे उन बच्चों को भी पेट में दर्द पड़ जाने वाला था। चलो गोलू मोलू, अब बहुत देर हो चुकी है, हमें वापस घर चलना चाहिए। और याद रखना, अपनी माँ को मत बताना कि मैं तुम्हें यहाँ लाई हूँ, वरना वह तुम दोनों को मारेगी। मैंने झूठ बोला था, मैंने आपको नहीं बताया कि तुम्हारी माँ नहीं जानती कि मैं तुम्हें यहाँ लाने वाली हूँ। गोलू मोलू ये सुनकर परेशान हो जाते हैं। क्या? लेकिन आंटी, आपने तो कहा था कि आपने मम्मी को बताया है, तो फिर आपने झूठ क्यों कहा? लाड़ो बच्चे की बात का कोई जवाब नहीं देती और उन्हें वापस घर ले आती है। चीनू अभी तक अनाज लेकर वापस नहीं आई थी। लाड़ो ने बच्चों को घर छोड़ा और खुद अपने घर चली गई। वहाँ चीनू चिड़िया भी अनाज लेकर घर आ गई थी। अरे गोलू मोलू, ये देखो मैं तुम दोनों के लिए क्या लेकर आई हूँ, आज मैं तुम दोनों के लिए भुट्टा लेकर आई हूँ। बच्चे बेचारे डर की वजह से अपनी माँ को कुछ नहीं बताते। उन्होंने चीनू का लाया हुआ भुट्टा भी ठीक से नहीं खाया था। अरे गोलू मोलू, ये क्या हुआ, तुम दोनों ने ठीक से खाना क्यों नहीं खाया? आज तो मैं तुम्हारी पसंद का भुट्टा लेकर आई थी और तुम लोगों ने ये भी ठीक से नहीं खाया, क्या बात है? कुछ नहीं माँ, हमें भूख नहीं है। थोड़ी देर गुजरी थी कि दोनों के पेट में बुरी तरह दर्द होने लगा। या अल्लाह खैर, क्या हो गया मेरे बच्चों को? क्या खाया था तुम दोनों ने, सच सच बताओ, जो तुम दोनों के पेट में इतना दर्द हो रहा है? जल्दी चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। बुलबुल डॉक्टर ने बच्चों के टेस्ट करवाए तो उसको पता चल गया कि उन्होंने कोई ऐसी चीज खाई है जिसकी वजह से उनको पेट में दर्द हो रहा है। बच्चों को मजबूरन अपनी माँ को सारी बात सच सच बतानी पड़ी। अच्छा, तभी मैं कहूँ कि तुम दोनों ने मेरा लाया हुआ भुट्टा ठीक से क्यों नहीं खाया। इस लाड़ो को तो मैं खुद देख लूंगी। अबे मेरे बच्चों ने उसका क्या बिगाड़ा था जो उसने हमारे साथ इतनी बड़ी दुश्मनी की। चीनू अपने बच्चों को घर छोड़कर सीधी लाड़ो के पास चली जाती है। लाड़ो,
मैं तो तुम्हें हमेशा अपनी बहनों की तरह समझती थी, लेकिन तुमने मेरे ही बच्चों के साथ दुश्मनी की। अरे ऐसे तो कोई दुश्मन भी नहीं करता। क्या बिगाड़ा था मैंने और मेरे बच्चों ने तुम्हारा, जो तुमने उन्हें वो जड़ी बूटी खिला दी। अच्छा भाई, तुम्हारे बच्चों पर बात आई तो तुम्हें कितना बुरा लग रहा है। ऐसे ही मेरा बच्चा भी बीमार हुआ था तुम्हारे लाए हुए अमरूद खाने की वजह से। तुम्हारे बच्चों को तो कुछ नहीं हुआ, मेरा बच्चा बीमार हो गया था, और अगर इसे कुछ हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन था। अब चीनू की समझ में सारी बात आ गई थी कि आहर लाड़ो ने ये सब क्यों किया। हालांकि इसमें चीनू का तो कोई कसूर नहीं था, और ना ही वो ये जानती थी कि अमरूद खाने की वजह से राजू के पेट में दर्द पड़ जाएगा। तुमने अच्छा नहीं किया लाड़ो बहन, मैं जो अमरूद लेकर आई थी मुझे तो नहीं पता था ना कि उसे खाने से राजू बीमार हो जाएगा। हालांकि वही अमरूद हमने भी खाए थे, लेकिन हमें कुछ नहीं हुआ। लेकिन तुमने मेरे बच्चों के साथ जानबूझकर ये सब किया है। आज के बाद मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, मैं जा रही हूँ। चीनू लाड़ो से नाराज हो जाती है। अभी इस बात को कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक दिन लाड़ो पेड़ पर बैठी अनाज ढूंढ रही थी कि उसको फिर से वही मिट्ठू तोता मिल जाता है। अरे लाड़ो बहन कैसी हो, और बताओ सब कैसा चल रहा है, चीनू और उसके बच्चे कैसे हैं? हाँ मिट्ठू भैया, हम तो ठीक हैं, लेकिन तुम्हारी चीनू बहन के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मिट्ठू उसका जवाब सुनकर थोड़ा हैरान होता है, और फिर वो बातों बातों में उससे पूछ लेता है कि आखिर क्या हुआ जिसकी वजह से तुम दोनों आपस में नाराज हो। लाड़ो ने भी सारी घटी हुई घटना मिट्ठू तोते को बता दी। अरे लाड़ो बहन, तुम कितनी पागल हो, भला ये सब करने से पहले तुमने मुझसे तो पूछ लिया होता। अरे बेवकूफ, वो अमरूद मैंने ही चीनू बहन को दिए थे। वो क्या है ना, मैं अपने लिए कच्चे अमरूद खाना ही पसंद करता हूँ, इसलिए उस दिन भी मैं कुछ कच्चे अमरूद अपने लिए लेकर जा रहा था। लेकिन जब मैंने चीनू बहन को अमरूद दिए तो मैं नहीं जानता था कि उसमें वो कच्चे अमरूद भी उसके पास चले जाएंगे। अब अगर गलती से वो अमरूद तुम्हारे बेटे ने खा लिए तो इसमें चीनू बहन का तो कोई कसूर नहीं था ना। मिट्ठू की बातें सुनकर लाड़ो बहुत शर्मिंदा हो रही थी, और उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। ये बातें सुनने के बाद वो सीधी चीनू के पास चली जाती है। मुझे माफ कर दो चीनू बहन, मैंने तुम्हारे बच्चों के साथ बहुत ज्यादती की है, मुझे नहीं पता था, लेकिन अब मिट्ठू भैया ने मुझे सारी बात बता दी है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो मेरी बहन। चीनू बहुत ही नेक दिल चिड़िया थी, उसको लाड़ो की बात सुनकर उस पर तरस आ जाता है, और वो उसे माफ कर देती है। कोई बात नहीं लाड़ो बहन, मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। और फिर वो सब फिर से पहले की तरह खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी बिना सोचे समझे किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। जब तक सारा मामला समझ में ना आ जाए तब तक हमें कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए, वरना उल्टा हमें खुद शर्मिंदा होना पड़ सकता है।